आइए आइए, विजयनगर की प्रतिष्ठित मिठाई की दुकान में आपका स्वागत है। ये इसे रसगुल्ला कहते हैं। रसगुल्ला देख क्या रहे, लीजिए लीजिए दीजिए दीजिए। वाह 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 वाह। इसे बालूशाही कहते हैं। अभी हम जाती, पेट भर गया, हम जाती। खुदा हाफिज़। सुनिए महोदय, जा कहाँ रहे हैं? धन तो देते जाइए। धन? जी धन। रकम? ये जो चीज खाया उसका रकम दे आपको? जी। ये पूरा विजयनगर में लोग लालची बस्ती है। हम जब से कदम रखिए विजयनगर में हर कोई धन रकम धन रकम। आप देखिए महोदय, आपने मेरी दुकान की सारी मिठाई खा ली, अब उसका आप दान भी नहीं देंगे? अरे भाई, हम खुद नहीं खाई है। आप बोले लीजिए, हम बोला दीजिए। आप बोला लीजिए, हम बोला दीजिए। हम जबरदस्ती खाई है, हम नहीं खाती तो तुम्हारा दिल टूट जाती। हाँ सुनिए महोदय, मैं एक व्यापारी हूँ। मेरी दुकान में जो भी आता है वो ऐसे ही मिठाई खाता है, मैं उसे ऐसे ही खिलाता हूँ। अपना आदत बदली करो, नहीं तो दुकान बिक जाएगा। हम तुमको कोई रकम नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी, बल्कि हमने जो तुमको शुक्रिया बोला, हमारा शुक्रिया वापस दो। अभी नकद दो वापस। शुक्रिया कहाँ से? ये देखो कोतवाल महोदय आ गए। अब इस समस्या का निवारण कोतवाल महोदय स्वयं करेंगे। ये ग्राहक दुकान से मिठाई खाकर धन देने से मना कर रहे हैं। अच्छा हाँ? मैं भी तो देखो कौन है वो। चली वो उड़ी फाख्ता, पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान। अरे ये तो बाद में बताऊंगा। अरे ये तो वही आदमी है जिसने बिना प्रवेश शुल्क दिए विजयनगर में प्रवेश कर गया और ऊपर से गुरुवर को मूर्ख बनाया। किसने महोदय? बाद में बताऊंगा। जी बाद में क्यों बताएंगे, अभी बता दीजिए। क्या बता दें? इनका नाम बाद में बताऊंगा। वही तो महोदय भी कह रहे हैं, आप नाम बाद में क्यों बताएंगे? अरे मूर्ख, इनका नाम ही है बाद में बताऊंगा। जैसा नाम वैसा विचित्र काम। सिपाहियों पकड़ लो इन्हें, अब महाराज इसका दंड निर्धारित करेंगे। एक हमको किधर लेके जाती? दरबार में महाराज के समक्ष, विजयनगर के महाराज कृष्णदेवराय के पास। जी जी। हम ऐसा नहीं जाएगी। अच्छा तो फिर कैसे जाएंगे? आपके लिए पालकी मंगाऊं? नहीं, हम अपना सवारी पे जाएगी। देखो अरे शारदा, बुद्धिदास भाग रहे हैं। बुद्धिदास, बुद्धिदास देखो, हम आपसे बोलती है, माँ आपके साथ नहीं जाएगी, हम अपनी सवारी पे जाएगी। अरे अरे मेरा जान, मेरा जिगर, बुद्धिदास मेरा अजीज, किधर थी तुम? ये हमारा सवारी है। विचित्र मनुष्य की विचित्र सवारी। समझ नहीं आ रहा मनुष्य कौन है। और अगर आप लोग चाहती है अकलमंद आपके साथ में तमीज से पेश आए, तो राज दरबार में इसको हमारे साथ में लेके चलो। चलो भाई लोग, हमारा मदद करो, आ जाओ। वाह वाह वाह, चलो राजमहल जाएगी। शाबाश। ओह, तो ये बुद्धिदास इन महोदय का पालतू गधा है। किंतु बुद्धिदास को तो सचित महोदय लेकर आए थे। जो भी हो, किंतु ये विचित्र वेशभूषा वाले मनुष्य है कौन? देखिए बाद में बताऊंगा महोदय, आप इस तरह इस नहीं, अर्थात इस बुद्धिदास पे बैठ के दरबार में नहीं जा सकते। क्यों, क्या बात हो गई? देखिए दरबार की एक मान मर्यादा होती है, स्वयं महाराज वहाँ विराजमान होते हैं। जरा हमको उतारती नीचे। अब पकड़ो भाई। जनाब आप क्या समझती है, हमको दरबार का रसूख मालूम नहीं है। आप जानती? अरे बरकुरदार, आप फिक्र मत करो, हम दरबार का रसूख जानती है। बहुत अच्छी बात। हमारा अकलमंद, तुम कोने वीरानगी में घास फूस खाओ, हम आती है। चलिए आइए 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 आइए। विलम्ब हो गया, विलम्ब हो गया। महाराज, जब मैंने धन मांगा तो कहने लगे धन क्यों दे, आपने मिठाई खुद स्वयं प्रदान की है। हमने तो नहीं मांगी थी। महोदय महोदय महोदय, आप कोई बालक नहीं हैं जो इतना भी ना समझे कि दुकानदार का धर्म वस्तुओं का विक्रय करना होता है। दुकानदार दुकान पर बैठता ही इसी कारण से है। अब आप किसी भी दुकान पर जाइए तो दुकानदार आपको या किसी भी ग्राहक को देवता समझकर आपका स्वागत करेगा और समस्त वस्तुएं आपके समक्ष रख देगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि बिना धन की अभिलाषा किए वो आपको वस्तुएं दे देगा। ना 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 ना, ना, ना। आपने मिष्ठान भक्षण कर धन ना देने का अपराध किया है, इसलिए आप अपराधी हैं। अरे आइए 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 पंडित रामाकृष्णा जी, आइए, स्वागत है आपका। दरबार में विलंब से आने का जो कीर्तिमान आपने स्थापित किया है, हमारे विचार से वो 100 वर्ष तक नहीं टूट पाएगा। क्या गुरुवर आप भी? क्या हम भी? क्या नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। प्रणाम महाराज, क्षमा चाहता हूँ। और महोदय, आपने हमारे राज्य में 2 अपराध किए। प्रथम, आपने प्रवेश शुल्क नहीं दिया, और द्वितीय ये कि आपने इन महोदय की दुकान पर जाकर सारे मिष्ठान खाए और उसका मूल्य नहीं दिया। इस कृत्य का दंड आपको अवश्य मिलेगा। महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। आज्ञा है पंडित रामकृष्ण। महाराज, कृपया इन महोदय की वेशभूषा पर ध्यान दें। ये परदेसी प्रतीत होते हैं। मेरे विचार से इन्हें विजयनगर के नियमों और तौर तरीकों का भी अल्प ज्ञान है, तो कृपया इस बात को ध्यान में रखते हुए ही इनका दंड निर्धारित करें। क्या कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण? क्या बोल रहे हैं आप? ये हमें ज्ञात नहीं किस कारण से आप इस धूर्त व्यक्ति का साथ दे रहे हैं, जिसने हमारा 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 महाराज, हमारा विजयनगर के राजगुरु तथाचार्य का अपमान किया, मूर्ख बनाया। मनी, हाँ, अपना बुड्ढे सत्य ही तो कह रहे। आखिर इस व्यक्ति ने तो बुड्ढे के धन ऐंठने के सपने को चकनाचूर कर दिया। गुरुवार, शांत हो जाइए। जी महाराज। महोदय, क्या आप विजयनगर राज्य में प्रथम बार आए हैं? जी हुजूर, जी हुजूर, हम पहली दफा आई है। आई। हमारे मुल्क में विजयनगर का बहुत तारीफ होती थी। हमारे दिल में ख्वाहिश जागी तो हम भी खुद आके देखे, इसलिए हम आई। पंडित रामकृष्ण ठीक कह रहे हैं। प्रतीत होता है ये परदेसी महोदय विजयनगर राज्य के नियमों से, यहाँ के रहन सहन से अनभिज्ञ है। तो नियम अनुसार हमें इनसे नम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। महोदय, यदि आप विजयनगर राज्य में प्रवेश करने का शुल्क एवं इन महोदय की, जिनकी आपने मिठाइयाँ खा ली थी बिना मूल्य दिए, उनका मूल्य देने के लिए तैयार हैं, तो हम आपको अपराध मुक्त कर सकते हैं। क्षमा कर देंगे? क्यों क्षमा कर देंगे? दंड रहित कर सकते हैं हम आपको। कहिए, आप तैयार हैं? जो हुकुम महाराज, जो हुकुम। माफ करना महाराज। देखिए इस धूर्त का प्रपंच क्या कर रहा है। कहां रे काम है मेरा पैसा, पैसा पैसा में चित्र व्यक्ति है। इसके चोगे के सिरे में दो रिक्त स्थान है, वहां क्यों नहीं ढूंढ रहा? महोदय आप इधर उधर क्या देख रही हैं? आपने जो चोगा पहना हुआ है उसके सिरे में दो रिक्त स्थान है। संभवतः वो रिक्त स्थान वस्तुओं को रखने के प्रयोग में आते होंगे। जरा वहां तो टटोलिए। धन पास में ही था, इधर उधर ढूंढने का नाटक कर रहा था। सही कहा बलखुरदार, मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। परदेसी महोदय, धन आपने पुनः क्यों रख दिया? अरे और हमें यह बताइए कि जब आपको ज्ञात था कि धन आपने स्वयं एक रिक्त स्थान पर रखा था तो फिर इधर उधर ढूंढने का प्रयास क्यों कर रहे थे? आप नाटक कर रहा था हमारा। हुजूर, हुजूर पहले आप बताइए। सब इंसान को पता है कि ईश्वर खुदा अपने दिल में होती, उसके बाद भी इंसान इधर उधर क्यों ढूंढती? बोलिए। देखिए देखिए महाराज, देखिए महाराज ने धन के विषय में पूछा और आप ईश्वर की बात कर रहे हैं। महाराज ये अत्यधिक बड़ा धूर्त। अवश्य ही पंडित रामकृष्ण को इस व्यक्ति के संबंध में कुछ ज्ञात है। आप जो भी हैं चुपचाप धन दीजिए और निकलिए यहां से। हमारे महाराज के दयालु स्वभाव का लाभ मत उठाइए, अन्यथा हम आपको गिरफ्तार। जी महाराज। बस इतनी इज्जत भी लेंगे का हमारा? पंडित रामकृष्ण, आप हमें यह बताइए कि आप हंस क्यों रहे थे? मैं महाराज इन महानुभाव का धन होते हुए भी हलवाई को धन ना देने का अर्थ समझा तो मुझे हंसी आ गई। तो कृपया हमें भी अर्थ समझाइए। महाराज ये महोदय बिना परिचय दिए आप तक पहुंचना चाहते थे। मेरे विचार से हमें सर्वप्रथम इनका परिचय ज्ञात कर लेना चाहिए। महोदय आप कौन हैं? बुद्धिदास? ये तो भाई कोतवाल डर गए क्या? कौन हम? ना माफ कीजिएगा हुजूर, मेरा अकलमंद हमसे बहुत ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकती। अकलमंद? महोदय हम इस गद हम बुद्धिदास से पूर्व में मिल चुके हैं। बुद्धिदास? बुद्धिदास? अकलमंद तुम विजयनगर पहले भी आई है? अरे हमको बिना बताए काका घूमती रहती है तुम। ये बुद्धिदास क्या है? ये लोगों ने तुम्हारा नाम बदल दिया क्या? अब जरूर तुमको ये नाम पसंद आया है और हमको मालूम है तुमको कोई दूसरे नाम से बुलाता तुम कितना बुरा मानती थी। बोलो बात क्या है? महोदय इस बुद्धिदास से आपका क्या संबंध है? ये बुद्धिदास नहीं अकलमंद है, हमारा अजीज है, हमारा जान है, हमारा कलेजी है, बचपन से हमारा साथ है। अभी बीच में थोड़ा बिछड़ गया था, पता लगा ये विजयनगर घूमने आया था। क्यों बदमाश, ऐसा नहीं करती। अद्भुत, तो ये आपके मित्र हैं। चलिए, आपने अकलमंद का परिचय तो दे दिया हमें, परंतु आपका परिचय नहीं दिया अब तक। महाराज, मुझे इनका नाम ज्ञात है। क्या नाम है इनका? महाराज, अब बाद में बताऊंगा। कोतवाल जी क्या कर रहे हैं? अभी बताइए। कोतवाल, ये किस प्रकार का प्रयास है? अभी बताइए इनका नाम हमें। महाराज, मतलब इनका नाम है, बाद में बताऊंगा। कैसा विचित्र नाम, कैसा विचित्र नाम है। और महाराज, हम खुद भी तो अजीब गरीब है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। हुजूर, गुस्ताखी माफ, कोतवाल को हमने अपना यही नाम बताई थी। महोदय प्रथम तो आप हमें ये बताइए कि आपने इन्हें अपना छद्म नाम क्यों बताया? विजयनगर राज्य में छद्म नाम से प्रवेश करना दंडनीय है। हुजूर, इन्होंने सच कही, सच कही। हम चाहते थे कि विजयनगर में हमारे नाम से पहले काम से जाना जाए। वैसे भी नाम में क्या रखा है हुजूर, नाम तो कभी ना कभी गुम होना ही है। अद्भुत, चलिए, आपके काम से तो हम परिचित हो गए, परंतु अब तक आपने अपना नाम नहीं बताया। हुजूर, इस नाचीज को मुल्ला नसरुद्दीन कहते हैं। हम बगदाद से आई है। मुल्ला नसरुद्दीन? हैं? मुल्ला नसरुद्दीन बगदाद के प्रसिद्ध ज्ञानी और दार्शनिक। इनकी कहानियाँ तो हम बाल्यकाल से सुनते आ रहे हैं। क्या ये वही मुल्ला नसरुद्दीन है? विश्वास नहीं होता। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, आपका विजयनगर में हार्दिक स्वागत है। हम सभी आपकी कथाओं से परिचित हैं। आपने विजयनगर आकर हम सबको कृतज्ञ किया। प्रणाम। ओहो हो, तो आप हैं मुल्ला नसरुद्दीन। आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपको बताना चाहिए था, हम आपका स्वागत करते। कोई बात नहीं, हम अभी आपका स्वागत करते हैं। हम विजयनगर के राजगुरु तथाचार्य आपका विजयनगर में महाराज श्री कृष्णदेवराय की ओर से अभिवादन करते हैं। आपने इस दरबार में उपस्थित होकर हमारा अर्थात हमारे महाराज का मान बढ़ाया है। हम गले मिलकर आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। गुरुजी, गुरुजी, अधिक अभिवादन मत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो बुद्धिदास आपसे प्रभावित होगा, आपके भवन में ना आ जाए। महामंत्री जी, महाराज, मुल्ला नसरुद्दीन विजयनगर राज्य के विशेष अतिथि है। इनका अतिथि सत्कार किया जाए और राजमहल में इनके ठहरने का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। माफ कीजिएगा हुजूर, बंदा विजयनगर घूमने को आई है, यहाँ की जिंदगी की खुशबू महक लेने को आई है, जो यहाँ के आम जो लोग बाशिंदे हैं उनमें रह के हमको मिलेगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे अपने रहने का इंतजाम खुद करने दो। जहाँ हम रहेगी वहाँ हमारा अकलमंद भी रहेगी। आप क्या चाहती है? आपके राजमहल में हमारे साथ साथ अकलमंद भी रहे। महोदय अर्थात मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, परंतु जब तक आप विजयनगर राज्य में हैं आप हमारे विशेष अतिथि रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हुजूर। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, आप विजयनगर केवल भ्रमण के लिए आए हैं या किसी विशेष उद्देश्य के लिए? आप पहचान लिए। पंडित रामाकृष्णा, हम विजयनगर में एक मूंछ और चोटी लेने आई है। अच्छा है, मूंछ और चोटी? मूंछ और चोटी?